आत्महत्या कर ली मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। गांव में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरी एक्चुअली बड़े भैया के क्लासमेट थी, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी क्योंकि दोनों की मैंटेलिटी सेम थी, कैरेक्टर सेम थी, दिलो दिमाग सब कुछ सेम था, इसलिए दोनों हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। तब 20 साल पहले गांव में हर घर में टीवी नहीं होता था, सबके पास टीवी नहीं होता था, उनके पास भी टीवी नहीं था, वो टीवी देखने के लिए हमारे घर में आते थे। तब नेशनल चैनल में 12 बजे एक सीरियल आता था कसम, वो उसका फेवरेट थी, वो देखने के लिए क्या वो जल्दी काम ख़त्म करके वो डिलीवरी आ जाती थी। वो तब क्या करते थे लोग, नदी से पानी लेके खाना चावल बनाते थे, वो चावल अच्छा बनता था, वो ट्यूबवेल से पानी का यूज नहीं करते थे, ट्यूबवेल का पानी यूज नहीं करते थे। हर दिन की तरह वो उस दिन वो 12 बजे पहले वो नदी को गई थी पानी लाने के लिए। हमारे गांव में एक लड़का था, वो उस दिन उसको वो मटका लेके गया था पानी लाने के लिए, वो पानी लेके आ रही थी, उसको हाथ पकड़ के उसका बोला, थोड़ा वेट करो मुझे तुमसे कुछ बोलना है। बोला क्या बोलो, जल्दी बोलो मुझे जाना है घर। बोला तुम पहले रख दो, मुझे अर्जेंट बात करनी है। बोला तुम ऐसे ही बोलो। वो क्या किया, उसका मटका लेके नीचे रख दिया, के बोला उसका हाथ पकड़ के ऐसे बोला, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, वैसे उसको प्रपोज किया। वो मेरे फ्रेंड के कहा बेकार के बातें छोड़ो, ऐसे बोल के वो पानी लेके आ गई। पता नहीं उसके दिल में क्या थी, मुझे नहीं मालूम, उसको वो चाहती थी या नहीं चाहती थी, वो हमको खुल के कुछ नहीं बोली थी, ऐसे करके वो घर आ गई। आने के बाद उसके मम्मी को ऐसे बोला कि वो लड़का है ना, उसका नाम लेके बोला, उनके घर का वो लड़का, वो मुझे आके प्रपोज कर रहा है, इसे शादी करने के लिए बोला, मैंने उसको मना कर दिया। उसका मम्मी क्या किया, उसके दादाजी को उसके घर को भेजा, जाके ऐसे बोलो तुम्हारा बेटा ऐसे बोल रहा है, मतलब हम इधर शादी करवा देते हैं। जाने के बाद दोनों का वो लड़का लड़की दोनों का जो प्रॉपर्टी के हिसाब से तो सेम ही था, लेकिन वो लड़का उनके घर पे थोड़ा पैसा ज़्यादा था, क्योंकि वो उसके माँ जो थी लड़का का माँ, वो गांव में जो इंटरेस्ट देते ना पैसा, वो ऐसे ही देती थी, इसके लिए उनका थोड़ा नाम ज़्यादा था, और लड़का भी एक दुकान गया था कपड़ा का दुकान, इसलिए उनका थोड़ा पैसा ज़्यादा आता था। जाने के बाद उनका दादाजी बोले, वही बोलने के बाद उनका लड़का जो माँ थी वो डायरेक्ट मना कर दिए, गाली दिए, तुम्हारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, हम इधर शादी नहीं करवाएंगे, ऐसे के बेइज्जत करके वो भेज दिया। भेजने के बाद उनका दादाजी आके उनके मम्मी को बोले ऐसे ऐसे हमको बेइज्जत किया, वो मना कर दी डायरेक्ट। करने के बाद क्या हुआ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो मम्मी थी वो गाँव में हर जगह में ऐसे रूमर फैला दी, वो उनका लड़का जो है मेरे बेटे को रेप किया, ऐसे उसका औकात नहीं है, ऐसे नहीं है, वो मेरे बेटे को रेप किया। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड बोली, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे बदनाम क्यों कर रही हो, मैंने तो ऐसे नहीं बोला था, तुम्हें वो वहाँ से आके प्रपोज करा था, ऐसे ही तुमको बोलना है, ऐसे क्यों रूमर करो, मेरे मुझे पूछा ही नहीं, उसके घर को सेंड कर दिया रिश्ता, वो मना कर दिया तो कर दिया, फिर ऐसे चुपके क्यों बदनाम करे, उनका माँ का ही आइडिया था ऐसे करेंगे तो वो फिर बदनाम की डर से शादी करवा देंगे। ऐसे करने के बाद वो बात शाम तक ज़्यादा फैल गई थी, गांव में ऐसे रूमर हो गया था वो ये लड़की के साथ वो लड़का रेप किया था। वो हम हर दिन हम 4-5 बजे नदी को जाते थे, 4-5 फ्रेंड मिल के उधर 1-1.5 घंटा घूम के ऐसे आ जाते थे हर दिन की तरह। उस दिन भी हम साथ में गए सब लोग, जाने के टाइम में वो ऐसे हंस हंस के बात कर रही थी, ऐसे ऐसे आज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मेरी माँ मेरे बाप ऐसे बोल रहे गाँव में, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, हमको पूरा यकीन था वो सच ही बोल रही है। हम ऐसे मस्ती, अरे यार तुमको लवर ऐसे हो गया, हम ऐसे मस्ती कर ली, तुम्हारा अभी तो शादी होगी, ऐसे होगी, उधर से शादी होगी, हम ऐसे मस्ती कर करके आगे कर। जाने के बाद हम मंदिर जाते थे डेली, मंदिर से आने के बाद एक चक्कर उसके घर को लगा कर आते थे तो फ्रेंड के पास से। उस हर दिन की तरह उस दिन भी हम गए, मंदिर से आने के बाद हम जाके देखे तो वो रो रही है, हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था वो कभी रोते हुए, उसको चाहे जिंदा काट दो, कुछ भी कर दो, उसके सामने कोई मर जाए, उसको दुख होती थी लेकिन उसके आँखों से आंसू नहीं निकलते थे, उसका यही खासियत थी। हमको कोई कुछ बोलेगा हम फटाफट से रो लेते हैं, लेकिन वो रो नहीं पाती थी। हमने देखा वो कंटिन्यूसली उसका आँख से आंसू निकल रहे, हमने पूछा क्या हुआ, तुम तो कभी ज़िंदगी में नहीं रोए, वो ऐसे बोले ऐसे ऐसे बोल रहे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं बोला कुछ नहीं सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अरे मेरी घर वाले जब ऐसे ही बोल रहे तो गांव वाले क्या सोचेंगे। मैं बोला छोड़ दो, तुम्हारे घर वाले तो पागल है, छोड़ दो,
तुमको तो मालूम है तुमने कुछ नहीं किया, हमको मालूम है तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो क्यों डर रहे हो फालतू में? लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, वो कंटिन्यूसली रो रहे थे। हम उसको अपनी तरफ से बहुत समझाए, मैं और मेरे दो तीन फ्रेंड थे, सब लोग समझाए उसको। समझाने के बाद हम घर वापस आ गए, लेकिन मेरे माइंड अपसेट हो गया था, वो रो क्यों रही थी? कभी हमने देखा नहीं था उसके आंखों में आंसू। काम ख़त्म करने के बाद मेरे दूसरा फ्रेंड आए, बोले चलो और एक बार उसके साथ थोड़ा समझा के आ जाते थे, क्योंकि वो रो रही थी, रात है, नहीं तो रात को रात भर वैसे ही रोएगी, एक बार उससे मिल के आ जाते। मैं बोले चलो ठीक है, काम भी ख़त्म हो गया, चलो घूम के आ जाते थे उनके घर से। हम जाने के बाद वो बिस्तर पकड़ ली थी, वो ऐसे ही रो रही थी, खाने पियाने कुछ नहीं, वो ऐसे ही कंट्रोल से रो रही थी। हम उसकी माँ को गाली दिए बहुत, ऐसे क्यों बदनाम कर रही हो? वो बोला तुमको अगर मर्जी है तो शादी करो, वो लड़के तरफ से राजी नहीं है तो उसको छोड़ दो। खुद का लड़की को माँ बाप हो के क्यों बदनाम कर रही हो? ऐसे तुम खुद ही बोलोगे तो गाँव वाले क्या सोचेंगे? वो ऐसे काम करके हम उनको डांट लिया। डांटने के बाद 10 बजे हम घर आ गए, लेकिन हमारा माइंड जो फुल अपसेट था, हमको खाने को नहीं हुआ, हम ऐसे ही सो गए। रात भर हमको नींद नहीं आया, हम करपट बदलते रहे, इधर उधर ऐसे करते रहे, ऐसे करके करके 12 बज गए, हमको नींद नहीं आ रहा था। पता नहीं हमको क्यों लग रहा था आज रात को कुछ अनहोनी होने वाला है और सब कुछ बिखरने वाला है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसे ही फील हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस एक ही दिमाग में चला था वो रो क्यों रही थी, उसको रोना नहीं चाहिए था, कैसे आज रो रही है? जिंदगी भर में जितना वो नहीं रोया था, कभी नहीं रोया था, मानो जिंदगी भर का रोना वो एक दिन में रो लिया था। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मतलब कंटिन्यूसली एक सेकेंड में आंसू नहीं रुक रही थी, ऐसे निकल रही टपक रही थी नीचे नीचे। रात को 12 बज गया, सडन हमारा डोर उनका दादाजी ने नक किया, एक बार में मेरे नाम लेके वो नक किया, तो मैं उठ गई, उठ के सडन जाके डोर खोल दिया। खोलने के बाद वो बोली, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के नाम लेके बोली, वो रस्सी डाल के मर गई है। हमारे घर से उनका घर का जो दूरी थे वो 500 मीटर का होगा, मैंने हाफ मिनट में दौड़ के उनके घर के जाके उसके सामने में खड़ी हो गई। मैंने देखा वो ऐसे लटकी हुई, इधर से उसको निकाला नहीं था। मैं देख के उसको जोर जोर के रोने लगी, नीचे गिर गिर के रोने लगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसको जाके एक बार टच करके देखे वो जिंदा है या मर गई। मैं बार बार बोल रही थी उसको चेक करो, वो नहीं मरी है, वो नहीं मरी, वो कैसे मर गया? हम रात को 10 बजे गए थे, वो कब मरी? अभी तो 12 बजे अभी किए होंगे। वो बोले नहीं, वो फूल ऐसे स्ट्रेट हो चुकी है और कुछ उसको मूव नहीं हो रहा है, वो मर चुकी है। लेकिन हमको एक बार टच करने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों हम ऐसे नीचे गिर गिर के रो रो के हाल मतलब बेहाल हो गए थे हमारे। वो क्या किया था, बेड के ऊपर उसके दादाजी सो रहे थे, वो बेड में चुपके जाके एक चुन्नी फूल अंदर डाल देता मुँह के अंदर, इधर से इधर तक, मतलब वो जो फांसी डालेगी वो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ नहीं आएगी, मतलब मरने के लिए वो फूल प्रिपेयर होके गई थी। और दूसरा चुन्नी इधर डाल दिया था फैन के साइड में, जो एक मोटा सा मिट्टी का घर था उनका, मोटा सा लकड़ी था इसे, उसके क्या बोलते मालूम नहीं, उसके अंदर से डाल दिया था। उसको दादाजी उधर ही सो रहे थे, लेकिन उनको दादाजी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वो आवाज़ नहीं आई थी इधर से। जब उनके दादाजी वो बाथरूम जाने के लिए उठे, उनके सर पे उनका पैर टकराए, तो बोले क्या है? तो जब लाइट ऑन किए वो देखे थे, वो उनका पोती थी, वो जोर जोर के चिल्लाए, सब लोग इकट्ठा हुए, सब टच किया, फुल ठंडा हो चुका था उसका बॉडी, कब का वो मर चुका था, वो फुल स्ट्रेट हो गया था। वो थोड़ी देर के बाद मरने के बाद वो ऐसे सभी मूव होता है ना, ऐसे ऐसे करने से फोल्ड होता है, लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट हो गई थी, मतलब वो कब का मर चुकी थी। सब सोए रात को 10 बजे, उसके बाद वो शायद वो सुसाइड कर लिया था। करने के बाद वो ऐसे ही रहा रात भर, पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस आने के बाद उधर से ओपन करके उसको लेके गए पोस्टमार्टम करने के लिए। ऐसे दिन भर उधर फॉर्मेलिटी मेंटेन करते करते फूल शाम हो गई, शाम के टाइम में वो वापस आया, पोस्टमार्टम करके लेके उसको एक काला पेपर था सा काला वो पॉलीथिन में उसको कवर करके लेके आए थे। उसको जो चाचा थी वो जो कंधे पे उसको लेके आ रहे थे, वो लास्ट मोमेंट हमको याद आ रही। उसके बाल जो है बाहर ऐसे एक साइड में बाल दिख रही, बस
दूसरे साइड में दो पैर, बस इतना पैर दिखे, वही मुझे आज तक याद है। हम हमेशा हमेशा के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिए। जो बच्चे का कुछ हो जाता है ना, तो बच्चे पहले फास्ट दौड़ करके माँ बाप को सारी तकलीफ बताते हैं, जो दिल में है, जो दिमाग में है, वो खुल के बोलते हैं। जो नहीं बोलते हैं ना, तो भी माँ बाप को समझना चाहिए, मतलब बच्चे कैसा है हमारा, वो क्या सोच रहे, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, समझना चाहिए। लेकिन उसके माँ बाप ऐसा नहीं किया, वो गेम खेले क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए था, ऐसे करके वो शादी कर देंगे। एक बार सोचा नहीं हमारी बेटी के ऊपर कैसा बीतेगा, ऐसे करके माँ बाप की वजह से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मर गई। वो बात हम आज भी याद है, वो बात को हम आज भी नहीं भूल पा रहे। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, सोचते काश कोई बेस्ट फ्रेंड होता तो थोड़ा दुख शेयर कर लेते, तब याद आती है वो।